खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मुंबई में रैली, कहा दोनों राज्यों में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। रैली में अमित शाह ने कहा देवेंद्र फडणवीस फिर होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के अभी के और भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहकर भाषण की शुरुआत की। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 ए हटाने पर कहा अब भारत में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे। अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 कश्मीर के विकास में बाधा था, जम्मू कश्मीर में 370 की वजह से आतंकवाद, इसको हटाना हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं था। मुंबई में अमित शाह ने कहा पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा है, पीओके के लिए नेहरू जिम्मेदार। एबीपी न्यूज सी वोटर ने महाराष्ट्र और हरियाणा का ओपिनियन पोल किया, दोनों राज्यों में बीजेपी दोबारा सरकार बना सकती है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में बीजेपी महाराष्ट्र में दोबारा सरकार बना सकती है, राज्य में बीजेपी प्लस को 205 सीट, कांग्रेस प्लस को 55 और अन्य 28 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में हरियाणा में फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज हो सकती है, बीजेपी को 78, कांग्रेस को 8, जेजेपी को 1 और अन्य को 3 सीट मिल सकती है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा, कहा रोहतक, झज्जर, सोनीपत और जींद के अलावा किसी भी जिले में हिंसात्मक घटना क्यों नहीं हो रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया समलैंगिकों की शादी का समर्थन, लिव इन रिलेशंस को भी समाज की सच्चाई मान। एबीवीपी के नेता सुनील अंबेडकर ने लिखी इन मुद्दों पर किताब, 1 अक्टूबर को किताब का विमोचन करेंगे मोहन भागवत। पुणे में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा भारत अब एक ऐसा देश बन गया है जहां या तो आप इस तरफ हैं या उस तरफ, अब इस देश में सहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं। अमेरिका पहुंचते ही जबरदस्त एक्शन में पीएम मोदी, आज रात ह्यूस्टन में होने वाले कार्यक्रम से पहले कश्मीरी पंडितों, सिखों और बोहरा समुदाय के लोगों से मिले, ऊर्जा क्षेत्र में जाते ही कर डाला बड़ा करार। ह्यूस्टन में कश्मीरी पंडितों ने मोदी से मुलाकात में संस्कृत का श्लोक गाया जिसके आखिर में नमो नमः आता है, मोदी ने फिर सबके साथ नमो नमः दोहराया तो जमकर तालियां बजी। ह्यूस्टन में कश्मीरी पंडितों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, मोदी ने कश्मीरी पंडितों से 370 हटने पर बातचीत की, इस दौरान लोगों ने पीएम के साथ फोटो भी क्लिक की। मोदी से मिलकर भावुक हुए कश्मीरी पंडित, बोले 7 लाख कश्मीरी पंडितों की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं। कश्मीरी पंडितों से पीएम मोदी बोले आपने जो कष्ट झेला है वो कम नहीं है। पीएम मोदी ने अमेरिका में रह रहे सिख समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की, इस दौरान उन्होंने लोगों से उनका हालचाल भी जाना। ह्यूस्टन में बोहरा समाज के लोगों ने पीएम मोदी का शॉल भेंट कर स्वागत किया। ह्यूस्टन में पाकिस्तान के सिंध के लोगों ने पीएम मोदी से सिंध को आजाद करवाने में मदद करने की मांग की। ह्यूस्टन में पीएम मोदी ने बच्चों के साथ की जमकर मस्ती, उनके साथ खेले, इस दौरान मोदी ने एक बच्चे के कान भी खींचे। अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का ये पहला अमेरिकी दौरा है। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने पर भारतीयों ने किया जोरदार स्वागत, लोगों ने लगाए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे। ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर दिखी पीएम मोदी की विनम्रता की झलक, भेंट किए गुलदस्ते से गिरा फूल मोदी ने खुद झुककर उठाया। ह्यूस्टन में आज रात मोदी करेंगे भारतीयों को संबोधित, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल होंगे, ट्रंप का आधे घंटे का भाषण होगा, उसके बाद जमकर बोलेंगे मोदी। अब तक की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रैली में मोदी देंगे भाषण, अमेरिका के विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे। ह्यूस्टन में मोदी के कार्यक्रम की जोरदार तैयारी, 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। सबसे बड़े मंच पर हिंदी में भाषण देंगे मोदी, अंग्रेजी अनुवाद को डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। रात 8:30 बजे ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में शुरू होगा कार्यक्रम, मोदी के भाषण से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। 1.5 घंटे तक चलने वाले कार्यक्रम में 400 कलाकारों की 27 टीमें करेंगी अलग अलग कलाओं का प्रदर्शन। सुबह 4:30 बजे मोदी ने तेल कंपनियों के सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग की, बड़ी तेल कंपनियों के 16 सीईओ शामिल हुए। तेल कंपनियों के सीईओ से मुलाकात में पीएम मोदी को बड़ी सफलता, 5 मिलियन टन एलएनजी का करार हुआ। ह्यूस्टन में भाषण के बाद रात 12:30 बजे वरिष्ठ अमेरिकी नेता और अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। ह्यूस्टन पहुंचकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, बोले आज होने वाले कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व सलाहकार का इमरान पर तंज, शलबशली बोले मोदी के कार्यक्रम में ट्रंप का शामिल होना इमरान के लिए जोरदार थप्पड़ है। पीएम मोदी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनआरजी स्टेडियम के आसपास के पेट्रोल पंप को ह्यूस्टन पुलिस ने करवाया बंद, पुलिस को शक है कि पाकिस्तानी विरोध प्रदर्शन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुंचे।
पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में यूपी के अलीगढ़ में सिंधी समाज का विरोध प्रदर्शन, लोगों ने इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी भी की। झारखंड में अलकायदा से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार, झारखंड एटीएस ने जमशेदपुर रेलवे स्टेशन के पास मोहम्मद कलीमुद्दीन नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया है, 3 साल से हुलिया बदल कर रह रहा था। झारखंड में आतंकी गिरफ्तार कलीमुद्दीन अब तक सैकड़ों युवाओं को पाकिस्तान के आतंकी ट्रेनिंग कैंप में भेज चुका है, झारखंड एटीएस की बड़ी कामयाबी। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में रुकने का इशारा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग की, सभी बदमाश फरार। दिल्ली के महरौली इलाके में चोरी के शक के चलते महिला की पीट पीट कर हत्या, पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला के मकान मालिक और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। दिल्ली के पटपड़गंज में मंदिर के बाहर पति का इंतजार कर रही सीए महिला की गोली मारकर हत्या, वारदात सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। लखनऊ के एक होटल में खुद को गोमती नगर का सीओ बताकर मुफ्त में सेवाएं ले रहे हिमांशु शुक्ल नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपी के पास से कई अधिकारियों के नाम के फर्जी आईडी बरामद। प्रयागराज में भीषण बाढ़, गंगा और यमुना खतरे के निशान के ऊपर, बाढ़ की वजह से 5 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित। प्रयागराज में बाढ़ के बीच मस्ती के चक्कर में दांव पर जिंदगी, दारागंज में बिजली के खंभे पर चढ़कर गंगा में छलांग लगाने की तस्वीरें वायरल। वाराणसी में भी खतरे के निशान से 64 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा, हर घंटे बढ़ रहा है जलस्तर, निचले इलाकों में पानी भरा। गुजरात के वडोदरा में ट्रैफिक नियमों को पालन करने के लिए हुआ फैशन शो का आयोजन, इस खास आयोजन में मॉडल सिर पर हेलमेट लगाए नजर आए। आज शाम बेंगलोर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मुकाबला, भारत 1-0 से आगे है, पहला मैच बारिश में धुल गया था, दूसरा भारत ने जीता था।